नमस्कार दोस्तों, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमको बलगम वाला खांसी के लिए वीडियो बना दीजिए ताकि हम घर पर आसानी से बलगम वाला खांसी को ठीक कर लें। दोस्तों आपको इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट बताएंगे, आप लोग इस वीडियो को देखकर आप लोग आसानी से घर पर बलगम वाला खांसी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो हम मेडिसिन बताएंगे, खाने के तरीका बताएंगे, उस तरह आप लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको बलगम वाला खांसी जड़ से ठीक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अपने मेंटेन सही से रखिएगा तो आपको बार बार बलगम वाला खांसी आपको नहीं होगा। दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बीमारी के संबंधित, आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, हम आपको मदद जरूर करेंगे। कोई भी रिपोर्ट है आप इंस्टाग्राम पर भेजिएगा, सच्चाई आपको देखकर बताएंगे। जब कोई अगर आपको मदद नहीं कर रहा है उस समय हमको याद करिएगा, हम आपको मदद जरूर करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग ने मेरे चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर पर कंप्लीट करवा दिए हैं और उम्मीद है कि आप लोग आगे पर जाकर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा और आगे बढ़ाइएगा इस चैनल को। यह चैनल मेरा नहीं, यह चैनल आप लोग का है। दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि बलगम वाला खांसी को आप लोग कैसे आसानी से घर पर ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको बलगम वाला खांसी होती है तो आप लोग क्या करते हैं जानते हैं, मेडिकल दुकान पर जाते हैं, दवा मांगते हैं, कोई भी दवा आपको देते हैं, आप खाकर उसे देखते हैं कि ठीक नहीं हो रहा है। जब ठीक नहीं हो रहा है तो समय बढ़ता है तो और सारी बीमारियाँ होने की संभावना दोस्तों बढ़ जाती है। दोस्तों बलगम वाली खांसी किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसको बोलते हैं। दोस्तों बलगम खांसी उसी को बोलते हैं जिस बार कफ निकलता है, खांसते समय बहुत ज़्यादा कफ निकलती है और सीना में घर घर की आवाज़ होती है, सीना में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस होती है, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, बलगम वाली खांसी बोलते हैं। दोस्तों जब बलगम वाला खांसी हो जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा खांसता है, कफ निकलता है, तो कफ निकलते निकलते समझ लीजिए कि क्या होता है कि गला खराश हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस आपको होने लगती है और जानते हैं इसका लक्षण मेन क्या होती है कि जब आप खांसीगा तो सबसे पहले कि आप बुलाती बहुत ज़्यादा क्या बढ़ेगी, खांसीगा तो कफ गिरेगा। इसके बाद दोस्तों सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न हो जाएगा, घर घर राहत महसूस आपको होने लगेगा। ठीक है, चलिएगा तो आप हाँफने लगेगा, सांस फूलने लगेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि सीना में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लगती है और इतना खांसी जोर से उठता है कि सर भी आपको दर्द करने लगती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो मेडिसिन बताएंगे उस मेडिसिन को ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा। कभी भी अगर आपको बलगम खांसी हो तो आप लोग तुरंत जाकर उस मेडिसिन को खाकर आप लोग आसानी से ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि बलगम खांसी होने के सबसे बड़ी कारण क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, इसके सबसे बड़ी जो कारण होती है, इसके मेन कारण है अगर आपको चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाती है किसी भी कारण से। ठीक है, इसके वजह से आपको क्या होती है कि दोस्तों बलगम वाले खांसी होने लगती है। दोस्तों इसके बाद आपको एलर्जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा धूल धुआं की वजह से आपकी एलर्जी हो जाती है फेफड़ा में, तो आपको क्या होती है कि बलगम वाला खांसी होने की संभावना हो जाती है। अगर आपके इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, बार बार आपको व्यक्ति बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी कमजोर है, इसके वजह से भी आपको बलगम वाली खांसी हो सकती है, क्योंकि बैक्टीरिया जाकर हैरान करेगा आपको, बलगम का खांसी आपको हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अपना शरीर को मेंटेन करके रखिए, बिल्कुल आप लोग फिट रहिएगा, कोशिश करिए दोस्तों कि आप लोग बीमार ना पड़े। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बीमारी आदमी को बर्बाद कर देता है, एक आदमी चलते हैं पूरा घर का बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कोशिश करिएगा कि हम बचा रहे हैं। ठीक है, हम आपको बहुत छोटा छोटा टिप्स देंगे ताकि आप लोग उस टिप्स को फॉलो कर आप लोग आसानी से ठीक रह सकते हैं। ठीक है, और आगे भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, हम हैं तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हम हर एक, क्योंकि आपके लिए चैनल है बिहार फैमिली डॉक्टर, सब आपका है। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं इसका लक्षण तो जान गए, कारण जान गए, अब इसका इलाज क्या किया जाता है जिससे आसानी से हम ठीक कर सकते हैं कौन, बलगम वाला खांसी। दोस्तों सबसे पहले कि आप घरेलू उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों घरेलू उपाय में क्या करना है, आप गाढ़ा बनाकर जरूर पीजिएगा, जिसमें अदरक हो गया, लवंग हो गया, तुलसी जी के पत्ता हो गया, इस दालचीनी मिले तो दालचीनी भी डाल दीजिएगा। ठीक है, उसको उबाल कर आप क्या बनाइएगा, गाढ़ा बनाकर उसको आप पी सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों कि अंदर जाएगा, बैक्टीरिया को मार देगा, इम्यूनिटी सिस्टम भी आपको मजबूत रखेगा और खांसी को में बहुत ज़्यादा राहत आपको दिखाई देने लगेगा खांसी में। तो आप लोग घरेलू उपाय इसको आप लोग आसानी से करके ठीक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कौन सा मेडिसिन दें ताकि हमको आसानी से ठीक हो जाए, ये घरेलू उपाय के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मेडिसिन बताएंगे कम से कम 5 दिन तक जरूर रखेगा, अगर 5 दिन में आपको आराम नहीं हो रहा है तो आप किसी डॉक्टर से जरूर मिलिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको शरीर से खिलवाड़ नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ निकलती है, इसके बाद खांसी होती है, तो आप लोग को सबसे अच्छा मेडिसिन बता रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें पहला नंबर मेडिसिन बता दे रहे हैं जिसका नाम है एंटीबायोटिक खूब बनिया, जिसका नाम है क्लेभाम 625 यानी जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको सुबह शाम आप खा सकते हैं अगर आपको क्या होती है बहुत ज़्यादा कफ गिरती है। तब ये क्या होता है कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह जब होती है तो ठीक कर देता है। और होता क्या है कि जब बलगम वाला खांसी होती है ना, तो और भी कारण बीमारी होता है इसको से बलगम वाली खांसी होती है, लेकिन हम क्या बोले हैं दोस्तों कि 5 दिन तक जरूर खाइएगा। ठीक है, अगर आप 5 दिन तक खा ले रहे हैं, अगर 5 दिन में अगर कोई बीमारी नहीं होगा तो 5 दिन में आपको ठीक होना है, अगर अंदर कोई ना कोई बीमारी होगा तो 5 दिन में आपको ठीक नहीं होगा, इसलिए दोस्तों बोलेंगे आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है।
ठीक है। ऐसे 5 दिन तक आप खाकर जरूर देखिएगा और आपको राहत जरूर मिलेगा। दूसरा जो क्या एंटीबायोटिक बताए हैं, क्लेवान 625 mg, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हम आपको बता दिए हैं। एक सुबह एक शाम को 5 दिन तक आप जरूर खाइएगा। इसके साथ दोस्तों एक टेबलेट सिरप आता है, इसका नाम है ब्रोजी डीएक्स कॉफ सिरप, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको भी है दोस्तों आप खा सकते हैं। 10 ml सुबह, 10 ml शाम को, 10 ml दोपहर में, यानी 3 टाइम आप खा सकते हैं 10-10 ml, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको जाकर कफ को जो है अपना रोकेगा और आराम साफ कर देगा फेफड़ा को, और बढ़िया से एयर जाने लेगा, ऑक्सीजन जाने लेगा, आपका बॉडी सही रहेगा और सांस फूलने जैसे बीमारी को भी आपको ठीक कर देगा। अगर आपको बलगम वाली खांसी है तब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। यही मात्र आप 2 उपाय जरूर करिएगा, बिल्कुल आपको ठीक होना है, नहीं की तो बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको बीपी शुगर का बीमारी नहीं है तो साफ बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, आप घर का दम जो उपाय बताएं उस उपाय का आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसके आप लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।